ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिएगा इसरो की तरफ से वैकेंसी आते हुए दिखाई दे रहा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वैकेंसी आते हुए दिखाई दे रहा है। देखिएगा इसरो का इससे पहले हाल फिलहाल का उपलब्धि जान लेते हैं। देखिएगा इसरो 14 जुलाई को जो है सक्सेसफुली जो है यहाँ से लॉन्च कर दिया गया है, और यहाँ पे बात करें तो पृथ्वी से लॉन्च कर दिया गया है, और ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक जो है संभवतः ये जो है सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगी। तो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव तक ये 23 अगस्त तक संभवतः जो है सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगी। ये जैसे ही सॉफ्ट लैंडिंग अगर होती है सक्सेसफुली, तो देखिएगा भारत जो है पूरे वर्ल्ड का पहला ऐसा देश बन जाएगा जो चंद्रमा पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सक्सेसफुली जो है यहाँ पे यान को जो है सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगी। इसके अलावा बात करें तो इससे पहले जो है उत्तरी ध्रुव में जो है 3 देशों ने यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग की है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव में ये भारत का प्रयास है, और ये मिशन 200% विश्वास है, हम सभी देशवासियों का 200% विश्वास है ये मिशन 100% सक्सेसफुली होगा। इसके अलावा बात करें तो ये जैसे ही सक्सेसफुली होता है तो देखिएगा फिर जो है मिशन यान को लेके, यानी कि मनुष्य को लेके जाने की संभावना है, चंद्रमा पर हम मनुष्य को उतारेंगे। चलिए ये देखिएगा इसरो का जो वैकेंसी आते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख लेंगे टेक्नीशियन बी का वैकेंसी आते हुए दिखाई दे रहा है। टेक्नीशियन बी का वैकेंसी का बात करें तो देखिएगा ये मेनली रूप से आईटीआई के स्टूडेंट के लिए वैकेंसी निकल कर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सीट का देख लीजिएगा, फीटर का बात करें तो यूआर में 2, उसके अलावा ओबीसी में 1 और एसटी में 1 सीट रखा गया है। इसके अलावा बात करें तो देखिएगा मैसनिस्ट का बात करें तो ओबीसी में 1 सीट रखा गया है। इसके अलावा आगे बात करें तो देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा खासा सीट रखा गया है, ध्यान से सुनिएगा, यूआर में 5, ओबीसी में 5, एसटी में 3, उसके अलावा ईडब्ल्यूएस में 2 सीट रखा गया है। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे देखेंगे आईटी में, तो आईटी में देख लीजिएगा 2 यूआर में, ओबीसी में 2 और एसटी में 1 रखा गया है। उसके अलावा बात करें तो आईसीटीएसएम का बात करें तो यहाँ भी अच्छा खासा सीट है, यूआर में 2, ओबीसी में 1, एसटी में 1 और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट रखा गया है। उसके अलावा बात करें तो इलेक्ट्रिशियन में सिर्फ और सिर्फ ओबीसी में 1 ही सीट रखा गया है। इसके अलावा बात करें तो ड्राफ्टमैन का यहाँ पे बात करें तो देखिएगा यहाँ पे यूआर का 1 सीट रखा गया है। उसके अलावा केमिकल का बात करें तो यूआर का 1 सीट रखा गया है। टर्नर का बात करें तो यूआर का 1 सीट रखा गया है। उसके अलावा बात करें तो रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग का बात करें तो यहाँ भी यूआर का 1 ही सीट रखा गया है। यहाँ पे देखिएगा क्वालिफिकेशन 10th पास, और आप जिस ट्रेड से आईटीआई क्वालिफाई किए हैं तो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, एससीबीटी हो या फिर एनसीबीटी हो। यहाँ पे देख लीजिएगा 1 तारीख से फॉर्म भराना शुरू होगा, 1 अगस्त 2023 से फॉर्म भराना शुरू होगा, और ये जो फॉर्म भरा जाएगा 21 अगस्त 2023 तक फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पे देखिएगा मिनिमम जो यहाँ पे एज रखा गया है 18 से 35 साल रखा गया है सभी ट्रेड के लिए। यहाँ पे बात करें तो देखिएगा ये जो 21 आपको मिनिमम दिख रहा है ना, यहीं से जो है एज आपका काउंट होगा, या फिर मिनिमम हो या फिर मैक्सिमम हो, 21 अगस्त से ही आपका यहाँ पे काउंट होने वाला है। इसके अलावा बात करें तो देखिएगा 2 तरह का एग्जाम होना है, यहाँ पे CBT 1 एग्जाम होना है जिससे आपका मेरिट लगेगा, ये 80 मार्क्स का एग्जाम होना है। यहाँ पे बात करें तो नेगेटिव इसमें रखा गया है। इसके अलावा बात करें तो देख लीजिएगा स्किल टेस्ट होना है। स्किल टेस्ट का अगर हम बात करें तो यूआर का अगर आप कैंडिडेट हैं तो मिनिमम आपको सिर्फ और सिर्फ स्किल टेस्ट में क्वालिफाई करना है, 100 में से 50 मार्क्स लाना है। उसके अलावा अदर कैंडिडेट का बात करें तो अदर कैंडिडेट को आपको जो है 40 मार्क्स लाना है 100 में से। ये देखिएगा क्वालिफाइंग नेचर है स्किल टेस्ट, आपको जो है यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे ध्यान देना है। ये जो 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होना है, यहाँ पे देखिएगा ट्रेड बेसिस आपका एग्जाम होगा, यहाँ पे ट्रेड जो है ट्रेड पूछा जाएगा जो आपने पढ़ रखा है 2 सालों में या फिर 1 सालों में आपने जो पढ़ रखा है, यहाँ पे उसी से जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन रहेंगे, हूबहू उसी का सिलेबस रहेगा, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन आपको दिख सकता है। इसके अलावा बात करें तो देखिएगा CBT 1 का एग्जाम होना है। इसके अलावा फी का बात कर लेते हैं तो देखिएगा फी का बात करें तो आपको फिलहाल फी में सभी को जो है 500 रुपए देना है, याद रखिएगा। और उसके अलावा बात करें तो ओमेन, सभी ओमेन किसी भी कैटेगरी से हैं आप, उसके अलावा SC ST, उसके अलावा बात करें तो एक्स सर्विस मैन, और उसके अलावा PWD, इस कैंडिडेट को जो है 500 रुपए बाद में वापस कर दिए जाएंगे, अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो फिर 500 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। उसके अलावा आगे बात कर लेते हैं तो देख लीजिएगा उसके अलावा जो कैंडिडेट बच गए उसको 400 रुपए वापस कर दिए जाएंगे, जिसमें आएगा आपका UR, OBC, EWS कैंडिडेट को कितना रुपए वापस कर किया जाएगा, 400 रुपए वापस किया जाएगा, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा अगर आप स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई होते हैं तो आपको बुलाया जाएगा तो देखिएगा द्वितीय श्रेणी का आपको टिकट दिया जाएगा रेल का, या फिर अगर बस के भी माध्यम से आते हैं तो आपको टिकट का पैसा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे शर्त यहाँ पे ये रखा गया है कि आप
वो जो है शॉर्टेज डिस्टेंस का दूरी के आधार पे जो है आपको टिकट दिया जाएगा या फिर उसको आपको पेमेंट दिया जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये चीज सारा चीज मेंशन किया गया है और अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। इसरो में जो है वर्क करने का मौका मिल रहा है, अगर आप आईटीआई कर रखे हैं इसरो में वर्क करने का मौका मिल रहा है तो इससे बड़ी गर्व की बात नहीं हो सकती अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। आई होप इसमें अगर हम बात करें मैशनिस्ट के इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट को अच्छा खासा मौका है, उसमें सीट भी अच्छा खासा दिया गया है। और कुछ लोग सोच रहे होंगे सीट कम है, देखिएगा इसरो का इसी तरह का वैकेंसी आते रहता है और अलग अलग सेक्शन से अलग अलग जो है जगह से जो है वैकेंसी आपको देखने को मिलता है और इसी में से आप जो है आपको एक सीट पक्का करना होता है। आप तैयारी में अच्छे से तैयारी करिए। यहाँ का लेवल थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा अगर मैं कहूँ तो देखिएगा मॉडरेट रहता है, ना तो बहुत ज़्यादा इजी भी रहता है और मैं कह दूँ बहुत ज़्यादा टफ रहता है ऐसा भी नहीं है। यहाँ का क्वेश्चन का अगर आप पैटर्न देखेंगे प्रीवियस ईयर का, चाहे कहीं इसका भी उठा के अगर आप देखिएगा तो देखिएगा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रहता है, तो उसी लेवल से आपको तैयारी करना चाहिए और अच्छा खासा स्कोर लाइए। और 80 में से जितना ज़्यादा स्कोर लाते हैं तो आपके लिए अच्छा खासा चांस है। और यहाँ पे देखिएगा नेगेटिव भी है, तो कहीं ना कहीं एक और चीज़ अच्छी बात है कि नेगेटिव है, अगर आप एक्यूरेसी आपका अच्छा है तो आपका सिलेक्शन होगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।